विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस सोशल मीडिया पर आपस में खूब लड़ते रहते हैं। कोहली की बैटिंग को रोहित की बैटिंग से कंपेयर करते हैं और विराट की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आईपीएल कप्तानी को जमकर ट्रोल भी करते हैं। लेकिन टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे विराट कोहली के एक डिसीजन ने रोहित शर्मा की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के साथ खेल कर दिया है। इस खेल से अगले साल मुंबई इंडियंस के आईपीएल जीतने के सपने कैसे हो सकते हैं फेल, बता रहा हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नलायक पत्रकार और आज की नलायकी होगी इस मुद्दे पर कि कैसे विराट कोहली के एक डिसीजन से 5 बार आईपीएल जीतने वाली रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस का खेल बिगड़ सकता है। 5 बार आईपीएल जीतने वाली मुंबई इंडियंस की टीम इतनी सॉलिड है कि चाहे मैचेस इंडियन पिचेस पर हो या यूएई की, हर जगह ये कमाल दिखाई जाते हैं। अब इस साल भले ही मिनी ऑक्शन में सभी टीम्स ने अपनी अपनी टीम्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की हो, पर इस साल भी आईपीएल में फिर से मुंबई इंडियंस का ही पलड़ा सबसे भारी दिखता है। पर विराट कोहली, जिनकी कप्तानी को लेकर मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के फैंस उन्हें ट्रोल किया करते हैं, उन्होंने ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड के अगेंस्ट हो रहे T20 सीरीज में इंडियन नेशनल टीम की कैप पहनाकर मुंबई इंडियंस के लिए 2022 में काम मुश्किल कर दिया है। कैसे, हम बताते हैं। 2022 में होने वाले आईपीएल से पहले BCCI एक मेगा ऑक्शन करेगा। ये मेगा ऑक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि BCCI अगले साल आईपीएल को 8 टीम की जगह 10 टीम का कॉम्पिटिशन बनाने वाला है और उसके लिए सभी टीम्स को दोबारा से अपनी पूरी टीम को बिल्ड करने का मौका मिलेगा। अब मुंबई इंडियंस की आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के 2 कारण हैं। अरे ये वाले नहीं यार, असली वाले बता रहा हूं। पहला कारण ये कि मिनी ऑक्शंस आए और गए, पर रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का कोर कभी चेंज नहीं होने दिया। मतलब एक आध साल कोई बुरा भी खेल गया ना तो भी ऐसा नहीं कि उसका ट्रांसफर कर दिया हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई इंडियंस ने वर्ल्ड क्लास फॉरेन प्लेयर्स को तो अपनी टीम में पिक किया ही किया, इंडियन प्लेयर्स में भी उन्होंने ना सिर्फ बड़े स्टार्स को खरीद लिया बल्कि यंग अनकैप्ड प्लेयर्स यानी जिनको इंडियन टीम से खेलने का मौका नहीं मिला था उनके ऊपर भी ना सिर्फ पैसा लगाया बल्कि उनको तराशा और हीरा भी बना दिया। मिसाल के तौर पर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये सभी वो प्लेयर्स हैं जिनको मुंबई इंडियंस ने खेलने का मौका दिया और इनका खेल सबके सामने निखर कर आया। पर विराट कोहली के सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को खिलाने से कैसे खेल हो गया ये मैं आपको अब बताता हूँ। 2018 में जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें BCCI ने रूल बनाया था कि कोई भी टीम अपने सिर्फ 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। इन 5 प्लेयर्स में से भी इंडियन कैप्ड यानी टीम इंडिया से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके मैक्सिमम 3 प्लेयर्स ही हो सकते हैं। बाकी 2 प्लेयर्स को टीम राइट टू मैच कार्ड से खरीद सकती थी, बट अगर कोई भी टीम 3 इंडियन कैप्ड प्लेयर्स रिटेन कर लेती है तो वो 2 राइट टू मैच कार्ड से 1 फॉरेन और 1 अनकैप्ड प्लेयर यानी वो प्लेयर जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है उसको ही रिटेन कर सकती है। 2018 आईपीएल में इस रूल से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे और जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया था और राइट टू मैच कार्ड से कायरन पोलार्ड और कृणाल पांड्या जो उस टाइम पर अनकैप्ड थे उनको खरीद लिया था। तब से सिर्फ 2018 को छोड़ दिया जाए तो 2019 और 2020 दोनों साल मुंबई इंडियंस ने इसी टीम के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीती है, पर 2022 के आईपीएल यानी अगले साल ये सब बदलने वाला है। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में खेलने वाले 4 प्लेयर्स कृणाल पांड्या, राहुल चहर, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव सब इंडियन टीम से अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और अगर BCCI मेगा ऑक्शन में सेम रूल लेकर आया तो मुंबई इंडियंस के सामने बड़ी मुश्किल होगी कि किसको टीम में रखें और किसको टीम से बाहर करें। वैसे अगर मुंबई इंडियंस इस बार भी रोहित, बुमराह और हार्दिक को रिटेन करती है तो विराट कोहली और बाकी टीम्स की चांदी हो सकती है क्योंकि वो अब इन बाकी के जो मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं उनको ऑक्शन में जाकर खरीद सकते हैं। तो भैया अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हो और विराट कोहली की कप्तानी को ट्रोल करते हो तो असली खेल तो आपके साथ हुआ है। पर ये 2022 की कहानी है, 2021 के आईपीएल में कौन जीतने वाला है, किस खिलाड़ी पर सबकी नजर रहेगी और कौन अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा, इन सब सवालों का जवाब आपको यहीं पर मिलेगा। बस देखते रहिए अनकट।